अच्छा, ये जो आपको थल्ली सी बनी हुई नजर आ रही है, ये ऊंची जगह, ये जगह, इस जगह पे फांसी दी जाती थी मुजरिमों को और गद्दार वतनों को। यहाँ पे जो है गद्दारों को या मुजरिमों को इस जगह पे, ये आप जो सुराख देख रहे हैं दरमियान में, इस जगह पे तख्ते दार पे लटकाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। आज के इस वीलॉग में हम आपको लेके आए हैं किला रोहतास, जो कि एक मशहूर तारीखी किला है। उसकी हम आपको सैर करवाएंगे। ये किला जेहलम के करीब है, जेहलम से तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर के फासले पे ये किला मौजूद है। इस किले में हम आपको लेके आए हैं और इस किले की ख़ास बात और इस किले के अंदर का जो व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं, और इसकी तारीखी हैसियत क्या है उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए ज़िया बलोच वीलॉग। चलिए चलते हैं, आपको किला रोहतास का विज़िट करवाते हैं। अच्छा, ये जी हम किला रोहतास की हदूद के अंदर इंटर हो गए हैं, और ये आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेशंस देख रहे हैं, जिसमें शाह चांद वाली और हवेली मान सिंह। ये इंडिकेशन हमें बता रही है कि ये जो रास्ता है ये हवेली मान सिंह और शाह चांद वाली की तरफ जा रहा है। इस वक्त हम किले की हदूद के अंदर मौजूद हैं। बहुत ही मास्टीरियस सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और बड़ी खामोशी और बड़ा पुरसकून सा माहौल है। ये इस किले के मुख्तलिफ हिस्सों के दर दीवार आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो दीवारें हैं वो पत्थरों से तामीर की गई हैं। अच्छा जी, ये किला रोहतास का सबसे पहला पहला हिस्सा, और ये आप देख सकते हैं इसके दरो दीवार, और ये पहला गेट है। इसको, इस गेट का नाम है शाह चांद वाली गेट। शाह चांद वाली गेट ये इस किले की मजबूत और उस वक्त की पुरानी दीवारें।
ये अब हम किले के एक हिस्से के अंदरूनी, किले का एक हिस्सा जो है उसके अंदर का मंजर आपको दिखाने लगे हैं जी। ये मेन गेट और ये मेन गेट के साथ बने हुए मेहराब, और ये इसका अंदरूनी हिस्सा, ये आप देख सकते हैं जी। उस वक्त का फने तामीर, इस हिस्से को कहते हैं जी, ये जो गेट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं जी शाह चांद वाली गेट। किला रोहतास का सबसे पहला गेट शाह चांद वाली गेट। अब शाह चांद वाली गेट की आपको हम तारीखी हैसियत बताते हैं। ये इसकी तारीख लिखी हुई है जी, चांद वाली या चानन वाला दरवाज़ा उस पुरनूर शख्सियत के नाम से जाना जाता है जो इस दरवाज़े के बिलमुकाबिल बेरी के दरख्त के साए में अबदी नींद सो रही है। अगरचे इस बात को साबित करने के कोई शवाहद मौजूद नहीं है, लेकिन आम रिवायत ये है कि इस पुरनूर शख्सियत ने इस दरवाज़े की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी इस मेहनत का मुआवजा वसूल करने से इनकार कर दिया था। यानी ये कोई वलीउल्लाह थे उनके, यानी शाह चांद वाली या चानन वाला उनके नाम से ये दरवाज़ा मंसूब है कि वो कोई वलीउल्लाह थे जिन्होंने इस गेट की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने कोई इसका मुआवजा भी नहीं लिया, मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। शेर शाह सूरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। ये हम शाह चांद वाली गेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं और ये इसका ओवरऑल व्यू आपको, ये ऊपर से हम नीचे का व्यू दिखा रहे हैं आपको। किला रोहतास उसका सबसे पहला हिस्सा शाह चांद वाली गेट। अच्छा, ये जी आप देख सकते हैं, ये किले की दीवार, किले की दीवार की लंबाई आप देख सकते हैं। ये मतलब ये तह बनती है, ग्राउंड जो है इसका ये बनता है, और ये साथ इस ग्राउंड से ये साथ ही ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं, तो इतनी हाइट पे ये इसकी दीवार है और ये इसका ऊपरी हिस्सा जो कि मुहाफ़िज़ों के लिए बनाया गया था, और यहाँ पे मुहाफ़िज़ जो है ये पहरा देते थे। अच्छा, ये जी आप देख सकते हैं, ये हम किले के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं। ये ओवरऑल व्यू किले का, ये हैरान कुन फने तामीर जी। उस वक्त आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस दौर में ये तामीर किया गया है उस दौर में कितना मुश्किल हुआ होगा इसको बनाने में। और ये इस हवाले से ये मशहूर भी है
कि बहुत से उलमा कराम और औलिया अल्लाह ने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया और उन्होंने इस हवाले से शेर शाह सूरी की मुआवनत की थी इस किले को तामीर करने के लिए। और इस किले को तामीर करने का बेसिकली मकसद जो था वो ये था कि यहाँ पे गखड़ आबाद थे, गखड़ जो है वो सपोर्ट करते थे मुग़लों को, इस रास्ते से वो मुग़लों को सपोर्ट करते थे मुख्तलिफ़ किस्म की मुहिमात के हवाले से। तो शेर शाह सूरी जो था वो मुग़लों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार था और उसने क्या किया कि गखड़ों की इस सपोर्ट को रोकने के लिए उनके रास्ते में ये किला तामीर किया। और जब ये किला तामीर हो गया तो शेर शाह सूरी के ये अल्फाज थे कि मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये बहुत बड़ा एरिया है जिस एरिया में ये किला तामीर किया गया है, जिस साइड पे भी देखो आपको किला ही किले की हदूद ही मिलेगी, किले के बुर्ज मिलेंगे, किले की दीवारें मिलेंगी। और इस किले की दीवार की हाइट आप देख सकते हैं, ये इस वक्त हम किले के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट पे ये किला बनाया गया। ये आप देख सकते हैं किले के सबसे टॉप की दीवार पे मेहराब, और ये जो मेहराब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सारे मुहाफिज बैठते थे, जो कि सराउंडिंग एरिया आपको बाहर से नज़र आ रहा है, बाहर से सारा जंगल ही जंगल है। और मुहाफिज जो है ये यहाँ पे पहरा देते थे, यहाँ से बैठ के हिफाजती उमूर सर अंजाम दिए जाते थे। अच्छा, इस वक्त हम किले की सबसे ऊंची फुल हाइट हम आप इसको कह सकते हैं कि सबसे ऊंची और आखिरी हाइट ये इसकी ये बनती है, हम इस पे मौजूद हैं। ये आप फिर वही देख सकते हैं सारे मेहराब मुहाफ़िज़ों के लिए। और ये जो है ये आप ये दीवार है, ये दीवार का आखिरी हिस्सा यानी सबसे टॉप पे हम मौजूद हैं ये दीवार के। और इस दीवार की हम आपको ओवरऑल हाइट आप नीचे देख सकते हैं कि वो सामने आपको जो है ये ज़मीन नज़र आ रही है और इस दीवार की ओवरऑल हाइट आप देख सकते हैं ये दीवार। ये दीवार तह दर तह तहों की सूरत में है, नीचे आप देख सकते हैं ये दीवार का दीवार की पहली तह है और ऊपर फिर ये दीवार की दूसरी तह है। और ये सारे आप इसके गेट्स हैं, ये गेट जिसका नाम सहल गेट है, और ये ओवरऑल सराउंडिंग आप देख सकते हैं किले के इर्द गिर्द का एरिया। और ये इसके जो हैं मुहाफ़िज़ों के बैठने के लिए ये मेहराब। और दिलचस्प बात ये है कि ये किला जो है बहुत ही इसके आखिरी हिस्से तक आप देख सकते हैं बहुत ही वज़नी पत्थरों से तामीर किया गया, जो कि उस वक़्त के मज़दूर यहाँ तक पहुँचाते थे। और इसकी तामीर के हवाले से मशहूर है कि इस किले की तामीर में मज़दूरों के अलावा बहुत से औलिया अल्लाह ने और उलमा कराम ने भी हिस्सा लिया। और उस बात के सबूत यहाँ से मिलते हैं कि किले के हर गेट के साथ किसी ना किसी वलीउल्लाह का मकबरा है, और किले की अंदरूनी साइड पे भी बहुत से औलिया कराम दफन हैं। उस वक़्त जब इस किले की तामीर की जा रही थी तो इस किले की तामीर में हिस्सा लेने वाले जो मज़दूर थे उन मज़दूरों का जो मुआवजा मुकर्रर किया गया था वो 1 सुर्ख सोने की अशरफ़ी थी, यानी सुर्ख सोने की अशरफ़ी एक मज़दूरों को मुआवजा के तौर पे मिलनी थी। बहुत ही ज़बरदस्त किला है।
ये आप देख सकते हैं जी, इस किले के अंदर बने हुए ये हिफाजती मोर्चे, ये हिफाजती मोर्चे जहाँ पे ये किले का जो मेन गेट है, उस मेन गेट का ऊपर वाला हिस्सा, सबसे टॉप वाला हिस्सा ये आप देख सकते हैं। ऊपर भी इसके मुख्तलिफ किस्म के गेट्स बने हुए थे। ये आप देख सकते हैं जी, किले की दीवार तह दर तह दीवार बनी हुई है, और ऊपर भी आपको सीढ़ियां नजर आ रही हैं, और फिर ये नीचे जाने तक ये सीढ़ियां हैं। तो इतनी हाइट पे ये मजबूत दीवार जो कि टोटल पत्थरों से तामीर की गई है। ये देखें जी, ये एक और गेट, और इसके आगे आप लोहे की सलाखों वाला गेट देख रहे हैं, और इसके अंदर ही ये सलाखों वाले गेट ओपन करने के बाद ये पूरी सुरंग है आगे। हिफाजती नुक्ते नज़र से बहुत ही महफूज किला था ये। यहाँ पे सुकून इतना है, इतनी खामोशी है कि आपको सिर्फ परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं यहाँ पे। बड़ा मास्टीरियस एनवायरनमेंट है। अच्छा, ये जी इस किले का, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस किले का फांसी घाट है, जहाँ पे गद्दारों को और ख़तरनाक मुजरमों को फांसी दी जाती थी। जो रियासत मुखालिफ अनासिर थे, जो गद्दार थे, वो यहाँ पे कैद होते थे। ये नीचे मुख्तलिफ किस्म के इसके जेलें बनी हुई हैं, और फिर उनको यहाँ पे फांसी भी यहाँ पे दी जाती थी। तो इस फांसी घाट का जो अंदरूनी हिस्सा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये फांसी घाट की सीढ़ियां हैं जी, ये आप देख सकते हैं, ये फांसी घाट है। इसके सामने आपको लोहे की सलाखों वाला गेट नजर आ रहा है। ये इस वक्त हम फांसी घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। मैंने इस वक्त तक जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट की हैं, तो मेरे लिए ये सबसे हैरानकुन हिस्टोरिकल प्लेस है। इसका फन तामीर और इसके अंदर जो लवाजमात हैं और हिफाजती उमूर को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से इसको तामीर किया गया है, वो हैरान कुन है और अपनी मिसाल आप है। इस किले की तामीर पे तकरीबन 5 साल तक का अरसा लगा। ये फांसी घाट के ऊपर हम मौजूद हैं। ये गेट है जी फांसी घाट का, और ये फांसी घाट का ऊपर वाला हिस्सा।
ये किले की सराउंडिंग है और बड़ी दूर दूर तक ये सारी किले की दीवार है। हम फांसी घाट के ऊपर वाली मंजिल पे मौजूद हैं और यहाँ से ओवरऑल सराउंडिंग आपको नज़र आ रहा है। इस किले के गिर्द जो एरिया है, जो एनवायरनमेंट है, और दूर तक आपको मेहराबों वाली जो मीनार नज़र आ रही है, जो गेट नज़र आ रहे हैं, वो इस किले के हैं। बड़े वसीय एरिया पर तक ये किला फैला हुआ था और बड़ा ही हैरान कन फन तामीर है इसका, और पत्थरों से, टोटल हैवी पत्थरों से ये तामीर किया गया है। और उस वक़्त जबकि कोई मशीनरी नहीं होती थी, कोई सहूलियात नहीं होती थी, तो इतने बड़े वसी एरिया में इतने ज़बरदस्त किस्म का किला सिर्फ 5 साल तक की मुद्दत में इसको तामीर किया गया, 5 साल तक की मुद्दत में इसको कंप्लीट किया गया। हालांकि आज के दौर में जदीद मशीनरी और जदीद सहूलियात होने के बावजूद भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो बड़ी मुश्किल से ही 5 साल की मुद्दत में कंप्लीट होता है। लेकिन ये आप देखें, इसकी ये दीवारें, ये मेहराब, ये पत्थर, हैवी पत्थर, और इस वसीओ अरीज किले को 5 साल की मुद्दत में कंप्लीट किया गया था। ये फांसी घाट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, मेहराबों वाली दीवार, यहाँ पे मुहाफिज होते थे इस फांसी घाट की हिफाजत के लिए। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं। और ये फांसी घाट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद हैं और बाहर का एरिया आप देख सकते हैं। ये आखिरी दीवार है किले की, फांसी घाट वाली साइड, ये आखिरी दीवार और ये सराउंडिंग, ये आप देख सकते हैं। ये किले के बाहर वाला जो ओपन एरिया है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। ये ओपन एरिया, किले की सबसे ऊंची दीवार, सबसे ऊंची जगह फांसी घाट पे हम मौजूद हैं, और यहाँ से ये बाहर का व्यू। अच्छा, ये जो आपको थल्ली सी बनी हुई नज़र आ रही है, ये ऊंची जगह, ये जगह, इस जगह पे फांसी दी जाती थी मुजरमों को और गद्दार वतनों को। इस जगह पे फांसी दी जाती थी, सबसे बुलंद जगह है ये, और इस बुलंद जगह पे, ताकि पूरी मखलूक को सरेआम दिखाया जाता था मुजरमों को फांसी देते हुए। ये फांसी घाट की जो थल्ली है, सबसे ऊंची जगह, उसकी सीढ़ियां हैं, हम इस पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फांसी घाट, ये आप देख सकते हैं, इसके दरमियान में ये सुराख बनाया जाता था। यहाँ पे जो है गद्दारों को या मुजरमों को इस जगह पे, ये आप जो सुराख देख रहे हैं दरमियान में, इस जगह पे तख्तेदार पे लटकाया जाता था। यस, नाउ वी आर एट हवेली मान सिंह, ये भी इस किला का हिस्सा है। किला के अंदर एक हिस्सा है हवेली मान सिंह। अब आपको हवेली मान सिंह की हिस्ट्री बताते हैं। ये हवेली मान सिंह है,
और हवेली मान सिंह की। अब ये हवेली मान सिंह के ग्राउंड फ्लोर पे ये हम आपको सबसे पहला उसका गेट और अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाते हैं इसका। ये अंदर की साइड ग्राउंड फ्लोर पे हम मौजूद हैं हवेली मान सिंह के। ये इसकी दीवारें और ये इसके अंदरूनी आप हिस्सों को देख सकते हैं किस तरह मेहराब डिज़ाइन किए गए हैं चारों तरफ। और ये इसकी छत। हवेली मान सिंह जो मशहूर जरनेल थे शहनशाह अकबर के, उनके नाम पे तामीर की गई उसके ग्राउंड फ्लोर पे। और ये उसकी अंदरूनी छत का आप नज़ारा देख सकते हैं। हवेली मान सिंह का ग्राउंड फ्लोर, ये छोटी छोटी आप इसमें विंडो टाइप की देख सकते हैं। यहाँ से एक तो हवा का गुज़र और दूसरा यहाँ पे मुहाफ़ों के लिए भी, ये खड़ी होने के मुहाफ़ों के लिए भी खड़े होने की जगह थी कालपन। फ़न तामीर उस वक़्त का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने एक्सपर्टीज थे सहूलियात ना होने के बावजूद भी। अच्छा, अब जी हवेली मान सिंह का ऊपर वाला हिस्सा, ये अंदरूनी हिस्सा आपको विजिट करवाया, अभी हम ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। हवेली मान सिंह के ऊपर होते हुए ये आपको किले की सराउंडिंग दिखा रहे हैं हम आपको। ये सबसे ऊपरी हिस्से का मेहराब गेट, और ये उसका अंदरूनी हिस्सा। हवेली मान सिंह बालाई मंजिल का ऊपर वाला हिस्सा, और इस पे भी आप देख सकते हैं वही हालात हैं, लोगों ने कितना इसकी दीवारों को गंदा किया हुआ है। ये हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारा तारीखी विरासत होते हैं, और इनको इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग्स और मुख्तलिफ़ किस्म के बहसियत कौम हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि तारीखी विरासत जो होते हैं वो किसी भी कौम की एक विरासती अमानत होते हैं, और हमें इस तरीके से इनको गंदा नहीं करना चाहिए। और हुकूमत के वक्त को भी चाहिए कि इस तरह के तारीखी विरासत को महफूज करने के लिए इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लें। ये रानी महल है, और
ये हिंदू के दौर में तामीर किया गया था। इसको हिंदू फन तामीर का एक मज़हर है ये भी। और ये किले का बाकायदा हिस्सा नहीं था, लेकिन इसको चूँकि इसकी एक तारीखी हैसियत है तो इसको किले के अंदर, किले की हदूद में इसको ले लिया गया। एक मंजिला इमारत है ये, रानी महल इसको कहा जाता है, और इसकी कोई बाकायदा तारीख मेंशन नहीं है। ये जी किला रोहतास का एक और गेट, जिसको कश्मीरी गेट का नाम दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, ये भी फन तामीर में अपनी मिसाल आप है। इस वक्त इस किले के अंदर आप मुख्तलिफ ये घर देख रहे हैं, इस किले के अंदर आबादी है बाकायदा तौर पे, चारों तरफ किला है और किले को अंदर अभी जो है आबादी है, आम अफराद रह रहे हैं इसके अंदर। ये रोड जो है ये किले के अंदर से गुज़रता है, ये आम गुज़र गया है, और ये चारों तरफ ये इस आबादी के ये किला मौजूद है, और ये किले की ये दीवारें, और ये किले का एक गेट जिसको कश्मीरी गेट कहते हैं। अच्छा जी, ये किला विज़िट करने के बाद ये किले का सबसे आखिरी गेट जिससे बाहर निकला जाता है, और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग रोहतास फोर्ट। पिंडी रोड से आते हुए, पिंडी जेहलम रोड से आते हुए ये सबसे पहला गेट, और किले से बाहर निकलते हुए ये आखिरी गेट। बहुत वसी एरिया पे ये किला मुहित है, और इसकी चारों तरफ से किले की दीवार आप देख सकते हैं। और इसके अंदरूनी साइड पे आपको सारी सिविल आबादी नज़र आ रही है, यानी आम लोग रहते हैं, ये स्कूल, ये पुरानी बिल्डिंगें, यहाँ पे आम आवाम रिहाइश पजीर है। और इसके अंदर से ये किले का गेट, पहला गेट, और इसके अंदर से ये जो रोड नज़र आ रही है आपको, ये आम लोगों की गुजरगाह है। ये आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ये इस किले से आम लोगों की गुजरगाह है, लोगों का आना जाना है, ये आप देख सकते हैं।